दशावतार। दशावतार की कथाएं, मत्स्य अवतार। चार मुख वाले ब्रह्मा जी चारों वेदों को बहुत सुरक्षित रखते थे। उन्हें डर रहता था कि कोई दैत्य दानव या असुर वेदों को चुरा न ले जाए, अतः वे चारों वेदों को अपने चारों मुखों में सुरक्षित रखते थे। एक बार उन्हें नींद आ गई और चारों वेद उनके मुख से निकल पड़े। घोड़े जैसे मुख वाले हैग्रीव दैत्य ने, जो इसी घाट में बैठा था, चारों वेदों को उठाया और पाताल में जा छुपा। ब्रह्मा जी नींद से जागे तो सन्न रह गए। ये क्या, चारों वेद गायब, कौन ले गया वेदों को? अवश्य ही यह काम हैग्रीव दैत्य का है, वही रहता था उन्हें चुराने की ताक में। घबराए हुए ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास पहुँचे। अनर्थ हो गया देव, चारों वेद चोरी हो गए। क्या कहते हो पितामह, वेद कैसे चोरी हो सकते हैं? उन्हें तो आप अपने मुखों में सुरक्षित रखते थे ना? मेरी असावधानी से ही वेद चोरी हो गए देव, हैग्रीव उन्हें छुपा कर पाताल में जा छुपा है। तब तो सचमुच चिंता की बात है पितामह, वेदों का वापस मिलना बहुत आवश्यक है, अन्यथा संसार में अनाचरण फैल जाएगा। दैत्य दानव समूची पृथ्वी पर हाहाकार मचा देंगे। कुछ कीजिए देव, आप ही उन्हें ला सकने में समर्थ हैं। मैं कुछ न कुछ उपाय अवश्य करूंगा पितामह, पर समस्या कठिन है। हैग्रीव को वरदान मिल चुका है कि किसी देव मनुष्य द्वारा उसका वध नहीं हो सकता। जो कुछ करना है जल्दी कीजिए देव, आप ही हैग्रीव से वेदों को वापस ला सकते हैं, किसी अन्य देव में ऐसी शक्ति नहीं। भगवान विष्णु का कथन सत्य सिद्ध हुआ। वेदों के गायब होते ही संसार में अनाचार फैल गया। असुर देवों पर हावी होने लगे, संसार से धर्म का लोप होने लगा। उधर आर्यावर्त में सूर्य के पुत्र तपस्वी सत्यव्रत रोज की तरह सूर्य की पूजा करने कृतमाला नामक नदी के पास पहुंचे। नदी में स्नान कर उन्होंने अंजलि में जल भर सूर्य देवता को अर्पण करना चाहा। अचानक, अरे ये क्या, मेरे हाथों में एक छोटी मछली, बेचारी नन्ही मछली, इसे वापस जल में ही छोड़ दूं, कुछ देर और पानी के ऊपर रही तो मर जाएगी। सत्यव्रत उसे जल में छोड़ने का विचार कर ही रहे थे कि नन्ही मछली बोल पड़ी, नहीं नहीं, मुझे पुनः जल में न छोड़ना महाराज। यह मछली तो मानवी भाषा बोलती है, क्यों जल में तुम्हें किस बात का डर है नन्ही मछली? इस नदी के जल में अनेक ऐसे जलधर हैं जो मुझे खा जाना चाहते हैं। यदि तुमने मुझे पुनः जल में छोड़ दिया तो मैं अवश्य ही उनका भोजन बन जाऊंगी। सत्यव्रत को दया आ गई, उन्होंने मछली को अपने कमंडल में रख लिया और अपने निवास स्थान लौट आए। कल पूजा के लिए जाते समय इसे किसी सरोवर में छोड़ दूंगा। अगले दिन जैसे ही सुबह उन्होंने कमंडल में झांका तो चौंक उठे। आश्चर्य है, रातों रात यह मछली कल की अपेक्षा इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में भी नहीं समा पा रही। तभी मछली पुनः बोली, आपका कमंडल मेरे लिए छोटा पड़ रहा है महाराज, मुझे किसी बड़े सरोवर में छोड़ दीजिए। सत्यव्रत ने कमंडल उठाया और मछली को ले जाकर एक बड़े तालाब में छोड़ आए। यह सरोवर तुम्हारे लिए उपयुक्त रहेगा। दूसरे दिन जब सत्यव्रत पूजा करने नदी की ओर चले तो मार्ग में तालाब में एक बड़े मत्स्य को देखकर चौंके। इतना बड़ा मत्स्य पहले कभी नहीं देखा इस तालाब में, कहीं ये कल वाली मछली ही तो नहीं। मत्स्य ने जैसे उनके मन की बात जान ली, यह तालाब भी मेरे लिए छोटा पड़ने लगा है। तो फिर तुम क्या चाहती हो? आप मुझे किसी सागर में छोड़ दीजिए, वहाँ मैं आनंद से विचरण कर सकूंगी। मछली की इच्छा के अनुसार सत्यव्रत ने उसे सागर में ले जाकर छोड़ दिया। अगले दिन जब सत्यव्रत सागर के तट पर पहुँचे तो एक विशाल मत्स्य को सागर की लहरों पर तैरते देखकर चौंक गए। हे प्रभु, यह कैसी माया है, यह तो अब इतनी दानवाकार मत्स्य बन गई है जैसे सारे सागर को मत देना चाहती हो। चलकर इसी से पूछूं वह आखिर है कौन। सत्यव्रत मत्स्य के नजदीक पहुँचे, उन्होंने मत्स्य को प्रणाम कर पूछा, सच सच बताइए मत्स्यराज, आप वास्तव में कौन हैं?
और ये कैसी माया दिखा रहे हैं। तुमने मुझ पर उपकार किया है महाराज, इसलिए मैं तुम्हें अवश्य अपनी वास्तविकता से परिचित कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं। इस समय तो मैं तुम्हें एक भयंकर संकट से सूचित करना चाहता हूँ। कैसा भावी संकट मत्स्यराज? आज से ठीक 7वें दिन यह समूचा संसार प्रलय के जल में डूब जाएगा। थल पर रहने वाले समस्त प्राणी अथाह जल में डूब कर विनष्ट हो जाएंगे। सत्यव्रत गंभीर हो उठे। बड़ी आश्चर्यजनक बात है, क्या इस महाप्रलय से किसी भांति बचा जा सकता है मत्स्यराज? हाँ, एक उपाय है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम एक बहुत बड़ी नाव तैयार कराओ, उसमें समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर तथा पृथ्वी की समस्त वनस्पतियों का बीज लेकर बैठ जाना। सप्तऋषियों को अपने साथ नाव पर जरूर बैठा लेना। ये सातों ऋषिगण नव सृष्टि रचाने में सर्वथा समर्थ है। मैं ऐसा ही करूंगा मत्स्यराज, तत्पश्चात क्या करूं यह भी आज्ञा दे दीजिए। इसके पश्चात का काम मेरा है। मेरे सिर पर एक बहुत बड़ा सींग जैसा काटा होगा। वासुकी नाग से प्रार्थना करना कि वह स्वयं को रस्सी के रूप में प्रयुक्त हो जाने दे। वासुकी नाग का एक सिरा मेरे सींग से बांध देना तथा दूसरा अपने नाव के मध्य भाग से। मैं तुम्हारी नाव को किसी ऐसी सुरक्षित जगह पहुंचा दूंगा जहां प्रलय का जल ना पहुंचा होगा। फिर जब प्रलय का प्रभाव समाप्त हो जाए तो 7 ऋषियों की सहायता से नव सृष्टि का पुनर्निर्माण करना। सत्यव्रत ने मत्स्य के आदेशानुसार सब कार्य निश्चित समय पर पूरे कर लिए। उन्होंने सभी प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों तथा वनस्पतियों के बीजों को एकत्रित किया। वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयुक्त हो जाने के लिए प्रेरित किया। सप्त ऋषियों को स्थिति से अवगत कराया तो उन्होंने भी अपना सहयोग देने का वचन दिया। ठीक 7वें दिन समुद्र में तूफान उठना आरंभ हो गया। भयंकर हवाएं चलने लगी, पर्वत टूट टूट कर गिरने लगे। सत्यव्रत ने जल्दी जल्दी सब लोगों को नाव पर बिठाया और स्वयं भी नाव पर बैठ गए। अचानक लहरों ने पूरी धरती को जल में समेट लिया। सत्यव्रत की नाव समुद्र में हिचकोले खाने लगी। तभी महामत्स्य ने समुद्र से अपना सिर निकाला। उसके सिर पर एक बहुत बड़ा सींग उगा था। सत्यव्रत समेत सभी ने उन्हें प्रणाम किया। अपनी नाव को मेरे सींग के साथ बांध लो, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान की ओर ले चलूंगा। वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। नाग की पूंछ का सिरा मत्स्य के सिर पर उगे सींग से बांध दिया गया। मत्स्य नाव को खींचता आगे बढ़ चला। मत्स्य ने नाव को ऐसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचा दिया जहां प्रलय का जल अभी तक नहीं पहुंच पाया था। अब आप सब लोग इस पहाड़ पर चढ़ जाइए। समय आने पर जब जल उतरना शुरू हो जाए तो नव जीवन आरंभ कर देना। सत्यव्रत ने पूछ लिया, मत्स्यराज अब तो बता दीजिए आप कौन हैं? अचानक चमत्कार हुआ। मत्स्यराज के स्थान पर साक्षात भगवान विष्णु खड़े मुस्कुरा रहे थे। स्वयं पहचान लो सत्यव्रत, मैं कौन हूँ? सबने श्रद्धा से भगवान विष्णु को नमन किया। तभी विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए, मत्स्य जल में डूब गया। मत्स्य के रूप में भगवान विष्णु ने पाताल में जाकर हैग्रीव दैत्य का वध किया। तत्पश्चात वे चारों वेद उठाए और ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। चारों वेदों को उन्हें सौंप दिया। हैग्रीव का वध हो चुका है पितामह, चारों वेद सुरक्षित आपके पास पहुँच गए हैं। अब इन्हें सावधानी से रखिए, कहीं कोई दूसरा असुर आकर इन्हें फिर चुरा कर न ले जाए। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर पुनः चारों वेदों को सुरक्षित अपने मुख में रख लिए। प्रलय का प्रभाव समाप्त हुआ तो सप्त ऋषियों की सहायता से सत्यव्रत ने पुनः सृष्टि का नव निर्माण किया। कालांतर में सृष्टि के नव निर्माण की यही पड़ेता सत्यव्रत मनु कहलाए और इनकी संतानें कहलाई मानव। वेदों के प्रभाव से शीघ्र ही धरा पर शांति स्थापित हो गई। असुर और अनाचारी शक्तियों का दमन हो गया। साधु ऋषि मुनि गण फिर से वेदों का पठन पाठन करने लगे। बहुत काल तक दैत्य और दानव में इतना साहस न हुआ कि वे धर्मनिष्ठ और सज्जन व्यक्तियों को परेशान कर सके। इस प्रकार विष्णु जी ने मत्स्यावतार धारण कर
संसार को दुष्टों के भय से मुक्त किया। मत्स्यावतार की जय। भगवान विष्णु की जय।